वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इंजन में जो लुब्रिकेंट ऑयल का जो उपयोग करते हैं और उस इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का क्या फंक्शन होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि एक इंजन में कुछ मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं और उन मूवेबल कंपोनेंट्स में यदि लुब्रिकेशन न किया जाए तो उन मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन के कारण उन कंपोनेंट्स में तापमान भी जनरेट होगा और तापमान जनरेट और फ्रिक्शन बढ़ने के कारण जो इंजन आउटपुट प्राप्त होना चाहिए उस इंजन से वह आउटपुट भी कम प्राप्त होगा, क्योंकि उन पार्ट्सों को चलाने में इंजन की ज़्यादा शक्ति खर्च होगी। तो इस समस्या से बचने के लिए हम इंजन में लुब्रिकेशन करते हैं और लुब्रिकेशन करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग करते हैं। तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्या क्या फंक्शन होते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके संबंध में समझते हैं आज। तो पहले समझते हैं फंक्शन के बारे में जानते हैं। जानते हैं पहला फंक्शन होता है इसका ऊष्मा को अवशोषित करने में, ऊष्मा को अवशोषित करने में। जैसे आप जानते हैं कि इंजन के अंदर जब मूवेबल कंपोनेंट्स एक दूसरे को रगड़ के चलते हैं और रगड़ के चलने के दौरान उन पार्ट्सों में तापमान बढ़ता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे दो कंपोनेंट्स जब ये एक दूसरे के रगड़ कर चले तो इन कंपोनेंट्स के बीच में तापमान बढ़ता है। जैसे दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो कंपोनेंट्स की सतह को जब एक दूसरे से रगड़ के चलाया जाए तो ये कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन बढ़ने के दौरान यहां पर तापमान भी बढ़ेगा। तो तापमान को दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो तापमान जनरेट हो रहा है उसको कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग करते हैं। तो इस दोनों कंपोनेंट की सतह के बीच में लुब्रिकेंट ऑयल की पतली परत आ जाती है। तो जब इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्लो करता है मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में और उन मूवेबल कंपोनेंट के सतह के बीच में पहुंचता है, तो पहुंचने के दौरान वो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एक पतली फिल्म बनाता है और पतली फिल्म बनाने के दौरान वो दोनों कंपोनेंट्स के सतहों को अलग कर देता है, जिससे वे दो कंपोनेंट्स एक दूसरे को चिपक कर नहीं चलते हैं और उनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। और जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो उसका तापमान भी कम हो जाता है। तो तापमान जब कम होगा तो क्या होता है कि जब ये ऑयल वहां पहुंचता है दोनों कंपोनेंट्स के बीच में तो दोनों कंपोनेंट की में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है फ्रिक्शन के कारण उस ऊष्मा को वह लुब्रिकेटिंग ऑयल एब्जॉर्ब करता है और अपने साथ उस तापमान को लेकर वापस इंजन के अंदर सम्प और क्रैंकेज में प्रवाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक इंजन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ऊष्मा को अवशोषित करने में इसका एक कार्य होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो कार्य होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, जो दूसरा कार्य होता है ये पार्ट्स की घिसावट को कम करना। दूसरा जो काम होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का ये पार्ट्स की जो घिसावट, मतलब जब दो मूवेबल कंपोनेंट्स एक दूसरे को रगड़कर चलते हैं तो रगड़कर चलने के दौरान वहां लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेशन ना होने के कारण दोनों पार्ट्स में फ्रिक्शन ज्यादा होता है और फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण वे उसमें घिसावट आती है। उस घिसावट को कम करने के लिए, मतलब जब दो सतहों के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल की एक पतली फिल्म बन जाती है और दोनों
पार्टों के सतह के बीच में पतली फिल्म बन जाने के कारण उनका संपर्क टूट जाता है और जिससे उसमें घिसावट कम होती है। तो इस प्रकार से एक लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है कंपोनेंट की घिसावट को कम करने में सहायता करता है। तीसरा जो कार्य होता है ये कुशनिंग का भी कार्य करता है, कुशनिंग का कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे आप जानते हैं कि जब दो कंपोनेंट एक दूसरे को रगड़ के चलेंगे तो एक दूसरे को रगड़ के चलने के दौरान उसमें पतली बारीक चिप्स निकलती है, उन चिप्स को वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जब मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में लुब्रिकेशन के लिए पहुंचता है, फ्लो होता है, तो उस फ्लो के दौरान उन बारीक बारीक मेटल के जो कण होते हैं उसको अपने साथ वापस लेकर आता है। यानी दो मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में सफाई का कार्य कर रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसलिए कहा जाता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वह कुशनिंग का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल कार्य करता है। उसी प्रकार से इसका जो चौथा कार्य होता है ये पिस्टन रिंग और लाइनर या बोर के बीच एक पतली फिल्म बनाता है, जैसे आप चाहते हैं कि एक इंजन के अंदर जिस स्थान पर पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो वहां पर एक पतली फिल्म बनाता है। जैसे समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से, जैसे ये सिलेंडर हुआ, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन मूव करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई एक कंपोनेंट जब दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर मूव करता है तो वहां दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कुछ क्लियरेंस होता है, उस क्लियरेंस के कारण ही वे कंपोनेंट्स सिलेंडर के अंदर मूव कर सकता है। और यदि ये कंपोनेंट्स में यदि क्लियरेंस न हो तो वह जाम हो सकता है। तो इसलिए दोनों कंपोनेंट्स के बीच में हम क्लियरेंस रखते हैं। तो ये क्लियरेंस जब सिलेंडर के इंटरनल वॉल और पिस्टन के आउटर डायमीटर के बीच में एक जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ लुब्रिकेशन के लिए प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो एक पतली फिल्म बनाता है। ये पतली फिल्म जो है उस क्लियरेंस को फिल अप करता है, जिससे क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि एक पिस्टन जब कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी जाता है उस दौरान यहाँ पर फ्रेश चार्ज पर कंप्रेस का एक प्रेशर बनता है कंप्रेशन, और पिस्टन भी ऊपर नीचे से ऊपर एक प्रेशर के साथ चलता है। और यदि ये क्लियरेंस रखा जाए तो इसमें जो कंप्रेस चार्ज है वो नीचे लीकेज होकर वापस सम्प में प्रवाहित होगा, तो उससे ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आता है पतली फिल्म बनाता है तो उसको एक फिलअप करता है और उस कंप्रेशन को लीक होने से रोकता है। और ठीक उसी प्रकार से एक इंजन के अंदर में जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है तो उस दौरान भी सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट गैस के ऊपर प्रेशर बनता है, और यदि ये प्रेशर को प्रेशर अधिक होने के दौरान यदि ये जो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो क्लियरेंस होता है उस क्लियरेंस में लुब्रिकेटिंग ऑयल एक फिल्म बनाता है और उस क्लियरेंस को भी फिलअप करता है और एग्जॉस्ट गैस को वापस नीचे संप में आने से रोकता है। तो ये जो क्रिया होती है सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट गैस का कंबस्शन चैम्बर से
क्रैंकेस या सम्प में रिस कर नीचे आना या लीकेज होकर आना वो एक क्रिया ब्लोबाई की क्रिया कहलाती है। तो उस ब्लोबाई की क्रिया को रोकने के लिए ये लुब्रिकेटिंग ऑयल एक पतली फिल्म बनाता है जिससे वो ब्लोबाई की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वह लुब्रिकेटिंग ऑयल पिस्टन रिंग और लाइनर बोर के बीच में एक पतली फिल्म बनाकर उस ब्लोबाई की क्रिया को रोकता है। तो इस प्रकार से एक इंजन के अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो कार्य करता है। अब समझते हैं एक इंजन के अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रयोग किया जाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज के संबंध में समझते हैं। तो जानते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टीज होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को हिंदी में कहा जाता है श्यानता। तो समझते हैं श्यानता क्या है। श्यानता का मतलब होता है कि किसी तरल पदार्थ के बहने का बूंद की माप को हम विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। किसी तरल पदार्थ के बहने का बूंद के माप को उस तरल पदार्थ के को विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि समझने की कोशिश करें, कोई सरफेस पर चल रहे हो तो चलने के दौरान सामने फॉरवर्ड फोर्स लगता है और उसी के विपरीत एक दूसरा फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहां पर दो विपरीत फोर्स लगता है, इसलिए जैसे समझ सकते हैं कि कोई पानी बह रहा हो और यहां पानी की पहली लेयर फर्स्ट लेयर और इसी के नीचे दूसरी लेयर होती है। तो जब ऊपर वाला पानी फ्लो करता है तो दूसरे तल वाला जो पानी होता है वो उसका विरोध करेगा, और या फिर जब दूसरे लेयर वाला पानी बहना शुरू करेगा तो पहला लेयर वाला वाटर इसका विरोध करता है। मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि वाटर के एयर लुब्रिकेटिंग ऑयल के फ्लो का विरोध करना मतलब विपरीत बल लगाना। तो विपरीत जो बल लगता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, एक हनी मतलब शहद और या वाटर मतलब पानी को किसी कंटेनर में रखे या किसी फर्श पर इसे बहा दिया जाए तो आप समझेंगे कि पानी बहुत स्पीड से बहेगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम होगी। और हनी को उसी फर्श पर यदि बहा दिया जाए तो बहुत धीमी गति से बहेगा। मतलब कि हम ये समझें कि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि यह धीमी गति से बह रहा है, क्योंकि इस पे लगने वाला जो विपरीत बल है वो ज्यादा है और पानी पर लगने वाला जो विपरीत बल है वो कम है। मतलब जिस लिक्विड पर प्रतिबल कम लगे उसकी विस्कोसिटी कम होगी और जिस तरल पदार्थ पर विपरीत लगने वाला जो बल है वो ज्यादा लगे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। मतलब है कि यहाँ पे हनी पर बहने का गुण कम है क्योंकि यहाँ पे विपरीत बल ज्यादा लग रहा है और तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और वाटर पर लगने वाला प्रतिबल कम है मतलब इसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक तरल पर प्रतिबल लगने वाला जो बल है उसके जिस तरल पदार्थ पर ज्यादा प्रतिबल लगेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और जिस तरल पदार्थ पर प्रतिबल कम लगेगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो इस प्रकार से हम विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। तो विस्कोसिटी के ग्रेड को निर्धारित किया जाता है, तो अमेरिका की एक संस्था है जिसे हम बोलते हैं SAE, एक अमेरिकन संस्था है, अमेरिकन संस्था, इसने लुब्रिकेटिंग ऑयल के ग्रेड को निर्धारित किया है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये जो संस्था होती है, ये संस्था लुब्रिकेटिंग ऑयल के ग्रेड को निर्धारित करती है, जैसे SAE 30, SAE 60, SAE 80, SAE 90। तो इस प्रकार से ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के ग्रेड को निर्धारित करता है। तो समझ सकते हैं कि जो SAE 20 है, ये बहुत पतला होगा, इसमें तरलता का गुण ज्यादा होगा, ये जल्दी बहेगा तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी। और समझ सकते हैं कि 90 डिग्री में इस तरल पदार्थ, इस लुब्रिकेटिंग ऑयल को यदि बहा दिया जाए तो इस पे बल ज्यादा लगेगा, प्रतिबल, तो ये धीमी गति से बहेगा, मतलब ये गाढ़ा होगा। तो इस प्रकार से जिस लुब्रिकेटिंग ऑयल में गाढ़ापन ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और जिस लुब्रिकेटिंग ऑयल की पतला होगा और बहने का गुण ज्यादा होगा तो वो उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी। तो इस प्रकार से एक इंजन में जो हम प्रयोग करते हैं वो SAE 30 ग्रेड का इंजन ऑयल प्रयोग करते हैं, और गियर बॉक्स के लिए जो प्रयोग करते हैं ऑयल वो SAE 90 होता है। तो इस प्रकार से विस्कोसिटी को हम समझ सकते हैं इंजन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेटिंग ऑयल को, ग्रेड के अनुसार ऑयल को, और अलग अलग ग्रेड का जो ऑयल होता है वो अलग अलग विस्कोसिटी का होगा। और इस प्रकार से तो दूसरा इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दूसरा प्रकार होता है इसका एडहेसिवनेस। एडहेसिवनेस का मतलब होता है, मतलब इंजन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रयोग किया जाता है उसकी विशेषता होती है एडहेसिवनेस। इसकी जो विशेषता है, यह लुब्रिकेंट का वह गुण है जिसके कारण यह किसी सतह पर चिपकता है। मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल की एक ऐसी विशेषता है जो कंपोनेंट की जो सतह होती है उस पर चिपकना, ये एक लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक गुण होता है। उसी प्रकार से तीसरा जो गुण होता है, ये ऑयलनेस का गुण होना चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल में, ऑयलनेस। तो ऑयलनेस मतलब जिसको बोलते हैं तेलीयता, हिंदी में तेलीयता कहा जाता है। तो एक लुब्रिकेटिंग ऑयल में ऑयलनेस का गुण होना चाहिए, क्योंकि यह जो गुण है ये पार्ट्स की सतह को गीला करता है और जिससे ये चिकनाहट पैदा करता है। जैसे आप जानते हैं कि जो दो मूवेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो मूवेबल कंपोनेंट्स के सतहों को गीला करेगा, और गीले करने के दौरान उस पे ये चिकनाहट पैदा करेगा, तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल में गुण होना चाहिए। चौथा गुण होता है इसका एसिडिटी का मतलब होता है अम्लीयता। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल में यह गुण जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑयल की अम्लीयता का गुण होने से पार्ट्स में जंग लगने की संभावना होगी। यदि अम्लीयता का गुण किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल में होगा तो उसमें जंग लगने की संभावना होगी, तो उस समस्या से बचने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल में अम्लीयता का गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पांचवा जो इसका प्रकार होता है, पांचवा प्रकार जिसे हम बोलते हैं पोर पॉइंट। लुब्रिकेटिंग ऑयल का नेक्स्ट जो गुण होता है पोर पॉइंट का जो मतलब होता है, कोई पदार्थ जितने न्यूनतम तापमान पर बहना शुरू होता है, जानते हैं कोई पदार्थ जितने न्यूनतम तापमान पर बहना शुरू होता है वह उसका जो है पोर पॉइंट कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पोर पॉइंट है ये एक लुब्रिकेटिंग ऑयल में
न्यूनतम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल में फोर पॉइंट क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। छठवां इसका जो प्रकार होता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट का मतलब होता है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट लुब्रिकेटिंग का ये फायर पॉइंट ईंधन अधिक होना चाहिए। फायर पॉइंट कैसा होना चाहिए लुब्रिकेट में? फायर पॉइंट मतलब फायर लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो फायर पॉइंट है वो अधिक होना चाहिए, क्योंकि इंजन जो होता है ये तापक्रम को सहन कर सके। इंजन के जो तापक्रम होता है उस तापक्रम को ये सहन कर सके, क्योंकि इंजन जब तापमान बढ़ता है तो इंजन का तापमान बढ़ेगा, लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल तो स्वाभाविक बात है कि फ्लो करेगा मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में, तापक्रम हो या ना हो। तो वो तापक्रम अधिक होने पर भी ये फायर पॉइंट जो है अधिक होना चाहिए, ताकि इंजन के टेम्परेचर को वह सहन कर सके। तो इस प्रकार से ये इंजन में प्रयोग किए जाने वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा और एक होता है केमिकल सेलिबिलिटी। केमिकल सेलिबिलिटी का मतलब होता है रासायनिक स्थिरता। रासायनिक स्थिरता यह वह गुण होता है होना, यह गुण जो है कम होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी का गुण जो है इंजन में कम होना चाहिए, क्योंकि इस इंजन पर पार्ट पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। भाई स्वाभाविक बात है कि एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हम प्रयोग करते हैं उस पर यदि केमिकल इफेक्ट हो तो वो इंजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस पर वो दुष्प्रभाव डाल सकती है केमिकल प्रक्रिया के दौरान। इसलिए ये जो गुण है लुब्रिकेटिंग ऑयल का कम होना चाहिए। इसी प्रकार से और एक गुण होता है इसका फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी का जो गुण है ये होना चाहिए, क्योंकि इंजन के बढ़ते और घटते जो तापक्रम होता है उस दोनों तापक्रम पर ये लुब्रिकेटिंग ऑयल कार्य कर सके। इसलिए इस लुब्रिकेटिंग ऑयल में फिजिकल स्टेबिलिटी का गुण होना चाहिए, ताकि वो इंजन के घटते बढ़ते टेम्परेचर को सहन कर सके। ओके, इस प्रकार से हमने इंजन के फंक्शंस और प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। ओके, थैंक यू।